Apple Laws. SLB Films. Saksham presents the audio described version of movie Black, voice over Sushma Seth, recorded at 3S Sound Studio. Additional creative writing, Narendra Joshi, project director for audio description, Rami Seth. Apollos Entertainment presents. मैं मिशेल मैकनेली, शिमला में बसे एक एंग्लो इंडियन परिवार की बड़ी बेटी। ये कहानी है मेरी और मेरी टीचर की, बची कुछ मिट्टी से बनाए गए उन दो इंसानों की जिन्होंने अपनी तकदीर से जंग लड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेरी इस कहानी की दुनिया ही कुछ अलग है, जहां पहुंचते ही आवाज दम तोड़ देती है और रोशनी आंखें मूंद लेती है। ये मेरी दुनिया है जहां कुछ दिखाई नहीं देता, जहां कुछ सुनाई नहीं देता। अगर एक ही शब्द में बयां करूं तो मेरी इस कहानी का नाम है ब्लैक। काली स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ नजर आता है ब्लैक। कितनी देर तक आप रह सकते हो इस अंधेरे में? कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन। 40 साल से सांसें ले रही हो इस घुटन से भरी दुनिया में। 4 साल से बीए फाइनल के ही एग्जाम दे रही हो कॉलेज में और 12 साल से हर संडे जाती हूँ चर्च में। पर वो संडे कुछ खास था, लग रहा था भगवान से जो मांगूंगी मिल जाएगा। मिशेल चर्च की ओर प्रार्थना करने के लिए बढ़ रही है, तभी आसमान से मुलायम रुई की तरह बर्फ बरसने लगी है। उसने उसे महसूस करने की कोशिश की। मिशेल उस बर्फ को देख तो नहीं सकती है, लेकिन महसूस जरूर कर सकती है। पिछले 12 साल से मेरी प्रार्थना तो एक ही थी, मेरा टीचर, मेरा फरिश्ता मुझे वापस मिल जाए। जानती हूँ मैं, बहुत वक्त लगता है मेरी प्रार्थना को भगवान तक पहुँचने में और बहुत सोचता है वो मेरी प्रार्थना कबूल करने से पहले। उस दिन भी मुझे मेरा टीचर नहीं मिला। मैं और सारा घर वापस लौट रहे थे कि अचानक सारा और उसकी बहन मिशेल कार में जा रहे हैं। उसकी बहन ने दूर फुव्वारे के पास बैठे किसी इंसान को देखकर अपनी कार रोकी। वेट। सारा मिशेल के टीचर की तलाश में है। सारा कार रोककर मिशेल को कार में ही बैठे रहने को कहकर फुव्वारे की ओर बढ़ रही है। मिशेल कार में ही बैठे बैठे कार के अंदर गर्म तापमान की वजह से शीशों पर पैदा हुई भाप को महसूस कर रही है। मिशेल कार में ही बैठे बैठे उसने उसी भाप पर अनजाने में ईसा मसीह के क्रॉस का निशान बनाया है। वहाँ उसकी बहन सारा उस आदमी को बैठे देखकर खुशी से चिल्लाती हुई कार की तरफ भाग गई। मिशेल, 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 your prayers have been answered। लेकिन मिशेल विश्वास ही नहीं कर पा रही। वो अपने चेहरे और हाथों के इशारे से सारा को बताने लगी है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये सच है कि मिशेल का खोया हुआ टीचर मिल गया है। वो चिल्लाने की कोशिश करती हुई अपने टीचर की ओर भाग रही है, गिर पड़ती है।
आज मेरा टीचर मुझे वापस मिल गया है। 12 साल बाद मैं तो उसे पहचान गई, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। आज वो सब कुछ भूल गया है, मुझे भी, खुद को भी, यहां तक कि अपना नाम भी। यही वजह है जो ये कहानी मैं लिख रही हूँ टू माय टीचर देवराज साहब। सामने एक दिमागी रूप से कमजोर लोगों का अस्पताल है, जहां पर मरीज रात के वक्त सो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बूढ़ा आदमी अपनी झुकी गर्दन और कांपते हाथों से कुछ ढूंढ रहा है। ये मिशेल का वही टीचर है जिसे मिशेल की बहन सारा ने ढूंढा था। Are you sure, doctor, कि उन्हें कुछ भी याद नहीं? Surely there must be something we can do. सहरा, मिस्टर सहाय को जो बीमारी है उसे Alzheimer's disease कहते हैं। वो सब कुछ भूल गए हैं। It's a very scary thought. जैसे मिस्टर सहाय के केस में वो अपना बिस्तर तक भूल जाते हैं। कल रात भर उसे ढूंढते रहे, शब्द भूल गए हैं, वो बोलना भूल गए हैं। He's at a very advanced stage of the disease. No, doctor. मैं नहीं मानती। उन्हें कुछ तो याद होगा, वरना इतने सालों बाद हमारे घर के सामने उनका यूं मिलना। और मिस्टर सहाय मिशेल को कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह डस्टर ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्दों को मिटा देता है, उसी तरह इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी यादें मिटा दी है। बस यहाँ वहाँ कुछ शब्द, कुछ घटनाएं जो अचानक उभर कर सामने आ जाती है, पर Alzheimer's का कोई इलाज नहीं। ये मिशेल क्या कर रही है? ब्रेल में लिखी अपनी जिंदगी की कहानी उन्हें सुनाना चाहती है। शायद वो शब्द छूकर उन्हें कुछ याद आए, या कोई घटनाएं उन्हें कुछ याद दिलाए। मिशेल का मानना है कि ये चमत्कार होगा, एंड शी वोंट स्टॉप अंटिल ही रिमेंबर्स समथिंग। साइंस डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। उन्हें कुछ भी याद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है? ये शब्द मिस्टर सहाय ने मिशेल को सिखाया ही नहीं। और आप जिसे नामुमकिन कहते हैं डॉक्टर, उसे मिशेल मुमकिन कर दिखाएगी। तुम मेरी तकदीर में उसी दिन लिखे गए थे टीचर, जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। मामा पापा और मैं एक खुशियों भरा परिवार, पर एक रात अचानक सारी खुशियां मुझसे अजनबी हो गई, जिस रात वो अंधेरे वाला हादसा हुआ था। माय ब्यूटीफुल बेबी, अब तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। हाँ, देखो कौन आया। डॉक्टर ने क्या कहा पापा को? डॉक्टर ने कहा मिशेल अब देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। डॉक्टर की बात सुनकर माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्या कहा? मिशेल हैज गॉन ब्लाइंड एंड डेफ। वो चुटकियां और ताली बजाकर वहीं मिशेल को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कुछ नहीं हो रहा है। मिशेल न सुन सकती है न देख सकती है। मिशेल की मां वहीं जमीन पर बैठ गई है। मिशेल अब 8 साल की हो चुकी है। समय कैसे बीता है कुछ पता ही नहीं चला। इंसान के रूप में जानवर थे मैं। मुझे सताने में बच्चों को बड़ी खुशी मिलती। किसी ने मजाक करते हुए शायद भगवान को भी मिलती हूँ। उसके पावों में छोटा सा खाली टीन का डिब्बा बांध दिया। किसने मजाक किया मिशेल के साथ? मिशेल, calm down। मिशेल का घर काफी बड़ा है। वो खाना खाने डाइनिंग रूम में गई है और यहाँ उसके हाथ से मोमबत्ती का स्टैंड नीचे गिर गया है, जिससे टेबल में आग लग गई है। साल रोज नया हादसा। कभी छुरी से किसी को जख्मी कर दिया तो कभी खुद का सिर फोड़ दिया। कल सारा घर जल जाता कहती। जब तक मिशेल इस घर में है यहाँ कोई खुशी नहीं आ सकती। कहना क्या चाहते हो तुम? हम उसे किसी
इंस्टीट्यूशन में भेज दें। मतलब मिशेल को पागलखाने भेज दें? तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? कैथी, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि तुम, फिर भी दूर भेजना चाहता हूं। ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। इसके अलावा और कोई? माता पिता की इस बातचीत के दौरान मिशेल अपनी छोटी बहन सारा को पालने में रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन नीचे गिर जाती है। She would not stay here another moment. She almost killed Sarah. It's a ghost. Let her go, Paul. Let her go. It's a ghost, not her. Let her go. Let her be. It's a ghost, not her. Ghost, stay. उसे समझने की कोशिश करो। हम तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। वो अपने ही अंधेरे में घुट रही है। My baby is suffering. Paul, सुना है कि देहरादून में एक स्कूल है जहां मिशेल जैसे बच्चों को स्पेशल तालीम दी जाती है। अगर तुम इजाजत दो तो एक टीचर के लिए। हमें और कोई टीचर की जरूरत नहीं। We need a magician. और कितनी बार सुनोगी कि हमारी मिशेल का कोई इलाज नहीं? आखिरी बार पॉल, शायद यही टीचर वो मैजिशियन हो जो हमारी मिशेल की जिंदगी में रोशनी ला सके। कहानी वहीं पुरानी जगह लौटती है। देवराज सहाय, जो कि एक टीचर है, कमरे में कुर्सी पर बैठे जलते हुए बल्ब को देख रहे हैं। देवराज, ओ कृष्णा, कम इनटू द लाइट। यू डूइंग देवराज? अभी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तुम ये बुझते हुए बल्ब को हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? दिस बल्ब इज डाइंग मिस नायर, आई नीड टू स्टैंड माय यू माइंड, इट्स डाइंग। यू बीन ड्रिंकिंग अगेन ऑल डे, हैवंट यू देवराज? नो नो, रोशनी के लिए सही साइन ढूंढ रहा हूं फॉर माई डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन। इनकी रोशनी जिंदगी। लाइट, 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 लाइट। जस्ट स्पेल इट देवराज, LIGHT, लाइट। आ, द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मैजिशियन। You make me so angry sometimes. Angry? Angry? Oh, stop this bullshit. Bullshit. Bull. Bull. Bullshit. Mari, is baaton ke liye mere paas waqt nahi hai. I have some very important news for you. Three guesses. अगर ये मेरा टर्मिनेशन लेटर है तो वो रहा खबर तीसरे डोर के नीचे से वहां रख दीजिए। अगर मेरी आखिरी सैलरी है तो यहां मेरी जेब में, और अगर ये नोटिस है इस कमरे को खाली करने के लिए तो ये रहा डस्टबिन फाड़कर इसमें फेंक दीजिए। एंड ऑन योर वे टू एनी ऑफ दीज मिस्टर, कुड यू प्लीज फेट मी माय आई ड्रॉप्स फ्रॉम द टेबल ओवर देयर। थैंक यू। यू मे हैव थ्री गेसेस देवराज, बट यू हैव ओनली वन चॉइस, दिस लेटर। 8 साल की बच्ची शिमला में, मिशेल देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और उसके मां बाप उसे समझ नहीं सकते। ये उनकी आखिरी कोशिश है देवराज, वरना बच्ची असाइलम जाएगी। यू आर द बेस्ट टीचर आई नो, शी नीड्स अ टीचर, यू नीड अ जॉब, लुक अप। व्हाट डू यू सी इन दीज आईज लिसनर? अ ग्रेट लव फॉर मी। यू नीड टू गेट योर आईज चेक्ड एंड दिस वन। कुछ नहीं, मिशेल नाम बताया था ना तुमने, मुझे सबको साफ दिखाई दे रहा। एक सुनहरी सुबह, बर्फीले रास्ते, वो छोटी सी लड़की पवन की तरह शरारती, दिशाहीन। मैं उसे शब्द के पंख दूंगा मिसना, उसे उड़ना सिखाऊंगा मैं। तुम सिर्फ एक अच्छे टीचर हो, मैजिशियन नहीं।
खुद की जिंदगी संवार नहीं सके और दूसरों की जिंदगी बदलने चले। क्या आंखों में दर्द हुआ? आंखों में नहीं, स्नान। देवराज, तुम्हारी कड़ हुई बातें सुनकर मुझे यहां दर्द होता है। इतहास जिंदगी के 30 साल स्कूल में गुजारने के बाद भी आज मैं एक अनदेखा अनसुना एहसास बनकर रह गया। बस एक एहसास। इतहास की जाते जाते आखिरी बार जब मैंने स्कूल की तरफ पलट कर देखा तो मेरे स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स, गलत दिशा में मुझे गुड बाय बोल रहे हैं। Waving to me in the wrong direction, Miss Lyra. Oh, it hurts. मिशेल अपनी दास्तान ब्रेल टाइपराइटर पर टाइप कर रही है। तकदीर ने भी क्या खूब सौदा किया था। मैं बची कुछी मिट्टी से बनाई गई एक मूरत और तुम गुमनाम घायल योद्धा। मेरे पास जीवन भर का अंधेरा और तुम्हारे पास बची कुछी रोशनी। श्री सहाय मिशेल का टीचर बनने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। राइट, वेयर इज द गार्ड? ये एक कमी थी इस घर में, एक शराबी टीचर की। तभी दूर से कांच की प्लेट आकर टूटती है। इंटरेस्टिंग, ये मिशेल ने गुस्से में फेंकी है। बिट ऑफ अ ब्रैट। लेकिन मिशेल अपनी एक गुड़िया के साथ एक पलंग के नीचे दुबकी हुई है। टीचर वो उस गुड़िया को खींचते हैं तो मिशेल भी गुड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हुए पलंग से बाहर निकलती है। वो टीचर के हाथ से टकराती है। पहली बार वो किसी अनजान इंसान के हाथ को महसूस करती है और उसे सूंघकर देखती है। टीचर उसके हाथों को अपनी आंखों से छुआता है तो मिशेल उसकी आंखों पर लगे चश्मे को छूकर फिर अपनी आंखों से छूती है। टीचर अपना काला चश्मा मिशेल को पहना देता है। और उसके हाथों को अपने होठों तक ले जाता है। टीचर, टीचर। सहाय, शी अंडरस्टैंड्स? नहीं, वो सिर्फ नकल कर रही, बट God. अनजान इंसान को महसूस करके मिशेल अपनी माँ को बुलाने का इशारा करती है। ये इशारा मुझे बुलाने के लिए, तो माता। वो इस अनजान आदमी के पास नहीं रहना चाहती। Really sorry, Mr. Sahai. It's all right. What's this? ये घंटी यहाँ किसकी है? ये उसकी पहचान है मिस्टर सहाय। जब आंखों से दूर हो जाए तो आवाज से दूर रहते हैं। जब माँ बाप ही बच्चे को जानवर समझेंगे तो इसे कोई इंसान कैसे मानेगा मिस्टर मैकनली? इसे इंसान बनाना आपका काम है। कैसे करेंगे ये काम? उंगलियां मिस्टर मैकनली, ये अंधों की आंखें हैं, लोगों की आवाज और बैरों की कविता। थक जाए तो तलवार, बंद हो जाए तो ताकत। ये निवाला भी है और चाचा भी। उड़ जाए तो भगवान दिखा सकते हैं और कभी कभी दरवाजा। इतनी आसान बात नहीं है ये जितनी आप सोचते हैं। मेरी बेटी मेरे जैसी है। सिद्धि बदतमीज। आप नहीं, आपकी बेटी।
Lunch will be served shortly, Mr. Sahai. Thank you, Mrs. McNally. I am so hungry. सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। मिशेल को किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, इसलिए वो हर किसी की प्लेट में से खाना खाती है और गिराती है। For kindness and faith, we are thankful to them. Life's treasures and loved ones, we hold and cherish. ये देखकर टीचर को गुस्सा आया। वो चाहते हैं कि वो सभ्य लोगों की तरह टेबल पर आराम से बैठकर खाना खाए, लेकिन मिशेल बहुत जिद्दी है। उसे छोड़ दीजिए मिस्टर सहाय। नहीं मिस्टर मैकनली, इसे तमीज सीखनी होगी। उसका हाथ छोड़ दीजिए मिस्टर सहाय। बस यही वजह है कि आज सौ में इसने कुछ नहीं सीखा। मेहमानों के सामने इस तरह की बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिशेल को इसी तरह खाने की आदत है मिस्टर सहाय। अगर ये खाना खाएगी तो पेट में खाएगी, वरना भूखी रहेगी। उसे खाने दीजिए, आपके लिए दूसरी प्लेट आ जाएगी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द प्लेट मिस्टर मैकनली, द प्लेट इज फाइन। लेट हर गो, दिस इज नो वे टू टीच। आपको इस अपाहिज बच्ची पर जरा भी दया नहीं आती। दया और इस शैतान पर, ताकि अपने मनमानी करते रहे, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई है नहीं। नहीं मिस्टर मैकनली, दया तो मुझे आप पर आती है। और खबरदार अगर आपने इसे अपाहिज कहा तो। दैट्स एनफ, डू नॉट फॉरगेट that you are a paid servant in this house. A teacher, Mr. McNally. Not a paid servant, a paid teacher. Leave her right now. No, you leave. All of them. Mr. Sahai, Michelle ko is tarah... Mrs. McNally, you had said that you would cooperate. Oh, there is no point in going on like this. Let's give him a chance. Unhe apna kaam karne ka mauka do, please. Leave. Michelle ke mata pita और साथ में आई मेहमान सहाय यानी टीचर के कहने पर ड्राइंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। सहाय दरवाजा बंद कर देते हैं। माधव, आज के लंच के लिए हम रियली सॉरी। वो नए टीचर है ना, इसलिए है ना पॉल। माधव, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, प्लीज कम। पॉल, मैं मिस्टर सहाय से I am very hungry और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अगर तुम भी इंसानों की तरह खाना खाना चाहती हो तो मेरे साथ आकर खाना खा सकती हो। मिशेल भूख से जमीन पर बैठी तड़प रही है। सहाय खाना खाने टेबल पर बैठ रहे हैं। तभी मिशेल उनके मुंह से चम्मच निकालकर फेंक देती है। वो टीचर की प्लेट से खाना छीनने की कोशिश कर रही है। मिशेल अपनी जिद में टेबल पर खाना नहीं खाना चाहती। वो खाने को छीन कर खाना चाहती है। इसी हाथापाई में वो मिशेल को फूड यानी खाना शब्द का ज्ञान कराने की भी कोशिश करते हैं। There's going to be no mother. Your mother is not here. Just your teacher. Your teacher. Just me. Where are you going? You'll take your mother. You are not going to go out. Wait. Where are you? मिशेल भूख से बिलबिला रही है। वो बार बार अपने सिर पर तेजी से हाथ मार रही है। टीचर उसे कुर्सी पर बिठाती है। और फिर चम्मच से चावल खिलाने की कोशिश करती है। वो मुंह में डाले गए खाने को उनके मुंह पर थूक देती है। इस जिद्दीपन को देखकर टीचर उस पर एक जग पानी डाल देती है। That should cool you down. ये कोई सिखाने का तरीका? लेकिन ये क्या, मिशेल अपनी जिंदगी में पहली बार
डाइनिंग टेबल पर बैठकर चम्मच से खाना खाने लगी। टीचर प्रेयर पढ़ते हुए मिशेल को खाना खिला रहे हैं। For good health and peace. For beauty. Please don't make a haste. Michelle और उसके पिता मिस्टर सहाय के कमरे में जा रहे हैं। He's arrogant and he has alcohol. He's not fit to be a teacher. Well, आज जो उसने किया वो तुमने नहीं देखा? आज हमारी मिशेल ने अपने हाथ। आखिर तुम चाहती क्या हो कैथी? कि टीचर की वजह से मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो? No. Then he's got to go. I hope you understand. Mr. Sahai? Miles to go before I can find the time envelope. Ah, yes. I need to talk to you, Mr. Sahai. Are you busy? No, not at all. मैं अपने दोस्त को खत लिख रहा था मिशेल के बारे में। आज उसने अपना पहला पाठ सीख लिया। तहसीब, तमीज, जो आप में बिल्कुल नहीं है। Anyway, I'll skip the pleasantries. मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर से चले जाएं। इस काम के लिए मुझे यहां बुलाया गया था मिस्टर मैकनली, उसे खत्म किए बगैर मैं नहीं जाने वाला हूं। I've only just started. Still a long way to go, you know. पर आपके काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं मैकनली। आपकी ट्रेन का टिकट, ये चेक और ये टर्मिनेशन लेटर। वी डोंट नीड यू एनी मोर। आप कल सुबह की गाड़ी से जा रहे हैं और अगली ट्रेन से मिशेल पागल खाने। अभी तक तो लोग उसे अंधी और बहरी कहते आए हैं, अब उसे पागल भी कहना शुरू कर देंगे। माई डॉटर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट डू मिस्टर मैकनली? यू डू अंडरस्टैंड दैट दिस विल डिस्ट्रॉय हर कंप्लीटली। ट्रेन ठीक 7 बजे चलेगी। एंड प्लीज पुट दिस बैक वेयर इट बिलोंग्स। Good night. मिस्टर सहाय अब तक चले गए होंगे, और जहां तक मिशेल का सवाल है, मेरे लौटने के बाद बात करेंगे। ड्राइवर चलो। इस दृश्य में कमरे से सारा सामान उतारा जा रहा है। Mrs. Gold! What is going on? Mrs. Gold! Mrs. Gold! I don't understand what is going on in this house today! Good morning, Mrs. McKelly. And how are you today? Sahai? Paul ne to kaha tha ki ab tak aap chale gaye honge. Just shifting rooms, Mrs. McKelly. Main apna kaam adhura chhod kar kabhi nahi jata. Kya chahte hain aap? Jo aap chahti hain. Michelle theek ho jaye, apna kaam khud kare. Bas. And for that, I need time and space. लेकिन मिस्टर सहाय आप जानते हैं कि पॉल 20 दिन के लिए बाहर गए, एंड दोस 20 डेज बिलोंग टू मिशेल एंड मी। नाउ डोंट से नो मिस मैकनली। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉल के घर में ना होने का फायदा मैं आपको नहीं उठाने दूंगी। ये पॉल की स्टडी? अब ये मिशेल की स्टडी होगी मिसेस मैकनली। मिसेस गोम्स, पुट दैट बैक। नो मैम, ही इज राइट। So the servants also listen to you now. आप होते कौन है मेरे घर पे कब्जा करने वाले? मिशेल का टीचर थे मिस्टर सहाय, अब नहीं। मैं आपकी आखिरी उम्मीद हूं मिसेस मैकनली। अगर आज मैं यहां से चला गया तो उसके कुछ ही दिनों बाद मिशेल असलम में पहुंच जाएगी। मिस्टर सहाय Yes. मेरे चीते जी, मेरी बेटी कभी असाइलम नहीं जाएगी, समझे आप? मेरी मां हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे चीते जी, मेरी बेटी उससे कभी अलग नहीं होगी। लेकिन एक दिन खुद उसका हाथ खींचकर
छोड़ गई उसे असलम में। और निकल गया उसे वो लोहे का दरवाजा। Michelle is deaf and blind, Mrs. McNally. She's not mentally retarded. उसे शब्द की पहचान चाहिए। हर वो चीज जो वो छूती है, जो वो खाती है, उसका एक नाम है, उस नाम का एक अर्थ है। मैं सिखाऊंगा उससे बोलना। Through science. लेकिन जब तक वो इस घर में अपनों के बीच सलामत है, सुरक्षित है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात, आपके घर के इस हिस्से को बदलना होगा। हर चीज यहां पर नई और अलग लगनी चाहिए। हर वो चीज जो वो छूती थी वो उसे यहां नहीं दिखेगी। No books, no papers, no paintings, the sculpture, सिर्फ खाली दीवारें। मैं इस कमरे की खुशबू तक बदल दूंगा। दूसरी बात, मिशेल के ऊपर मेरा अधिकार होगा। She will rely only on me. तीसरी बात, घर के इस हिस्से में कोई नहीं आएगा, आप भी नहीं। No, don't shake your head like that. Look at me. मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन जो काम हो रहा है उसकी भलाई के लिए आपको ऐसा करना होगा। चौथी बात, वक्त और विश्वास के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। No salary, no allowances, nothing. And no alcohol. When do I get charge of my student? This evening. Ready. You know, Mrs. McFanny, I wish I could sing, but my singing is so pathetic. टीचर ब्रेल लिपि में पत्र पढ़ रहे हैं। आई हैव गुड न्यूज। यू विल बी अनहैप्पी टू नो दैट द मैजिशियन इज एट वर्क। Today is Michelle's first day. This is a high. In school. Your student. You kept your promise, Mr. McNally. Michelle ki maa ne Michelle ko teacher ke hawale kar diya. Right. School shuru ho gaya hai and parents are not allowed, so you should leave. मैंने आज तक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्लीज उसका ख्याल रखना। डोंट बी हार्श ऑन। मिशेल समझ गई है कि वो एक अनजान जगह पर है। अब वो मुझे बुला रही है। यस आई नो। शी इज गोइंग टू कम टू यू नाउ। लीव मिसेस मैकनली। प्लीज लीव। गेट बैक। उसने इस कमरे से भागने की पूरी कोशिश की। 20 days, 20 दिन तक आप उसे नहीं छू सकती। लेकिन उसके खाने का। Yes, I know, Mrs. McKelly, but you must leave now. Please, can I go? I said, leave. लेकिन चारों ओर दरवाजे बंद। No more mother, no more father, just me. मिशेल जोर जोर से खिड़कियां दरवाजे खटखटा रही। नीचे वाली मंजिल पर मिशेल की माँ अपनी बेटी को खिड़कियां खटखटाते देख रही है। Has begun.
मिशेल जमीन पर गिर पड़ी है। मिशेल भागने की कोशिश करते हुए रात को फर्श पर ही सो गई। चारों तरफ धुंध छाई हुई। मिशेल मैकनली, एक दिन हम सबको इसी अंधेरे से गुजरना है जिस अंधेरे में आज तुम हो। सवेरा हो चुका है और टीचर मिशेल के लिए केक लेकर आए हैं। डोंट रिमेन इन द डार्क, कम इनटू द लाइट, 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 यस, 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 लाइट। द अल्फाबेट्स फॉर द वर्ल्ड स्टार्ट विद ABCDE, बट योर्स Start with B, L, A, C, K. Black, black, black. Tumhari akshar, tumhari shabd, tumhari duniya alag hai, Mishal. You are different. You are different. And be proud that you are different. रात भर भूखी मिशेल को टीचर ने केक सुंघाया तो वो खाने के लिए तड़प उठी। वो उस केक को छीनने की कोशिश करती है। टीचर केक सुंघाकर और उसकी बाजू पर अपनी उंगलियों से केक शब्द लिखते हैं। टीचर ने मिशेल का हाथ अपने होठों से लगाया, अपना हाथ उसके मुंह पर लगाया, लेकिन मिशेल ने उनका हाथ काट लिया। तभी अचानक लाइट चली गई है। टीचर ने मिशेल को कमरे में ढूंढने की कोशिश की है। वो मिशेल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। टीचर अंधेरे की वजह से नीचे गिर पड़े। मिसेस सहाय, गुड इवनिंग। Do you need any help, Mr.? Do I look as though I need some help? Well, that looked like a knockout to me. Knockout? Yes. इसी दौरान मिशेल के हाथ में वो केक आ गया है जो टीचर उसके लिए लेकर आए हैं। महत आंखों का नहीं उजाले का होता है मिसेस मैकनले। मिशेल को सिखाते सिखाते आज मैंने सीखा, अंधेरे में आंखें भी किसी काम की नहीं होती। All around was a knockout, लेकिन अगला राउंड मिला होगा। गुड लक टू मिस्टर सहाय, गुड लक। मिशेल के घर के बाहर बगीचे में एक फव्वारा है। टीचर मिशेल को उस फव्वारे के पास ले गए हैं जहाँ पर पानी है। मिस्टर सहाय, आप जानते हैं मिशेल को पानी से बहुत डर लगता है। इसी डर को इसके मन से निकालना चाहता हूँ मिसेस मैकनले। आप देखेगा पांच दिन के अंदर वो इसी पानी में तैर रही होगी। बातों ही बातों में मिशेल टीचर का हाथ छुड़ाकर भाग गई। टीचर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी भाग दौड़ में मिशेल का हाथ कैक्टस पर पड़ गया है जिस पर कांटे होते हैं। मिशेल दर्द के मारे बिलबिला उठी है। टीचर उसे घर में लाकर उसके हाथों में दवा लगा रहे हैं। पहली बार मिशेल ने टीचर के प्यार और अपनेपन को महसूस किया है। टीचर के हाथों में मिशेल का हाथ है और आज से इन दोनों की दोस्ती की नई शुरुआत हुई है। Your first handshake, Mr. Sahai. Yes. We're friends now. And my first fly kiss.
अब तो आपको उसे ये भी सिखाना होगा कि इसके हिस्से में फूल नहीं सिर्फ कांटे हैं। वही कांटे जो कभी जीसस के सर पर ताज बनकर खिले थे। राइट मिसेस मैकनले। टीचर अपनी उंगलियों के इशारों से मिशेल की मां को बाहर चले जाने को कहते हैं और वो बाहर चली जाती हैं। उन दिनों मैंने उन रिश्तों को महसूस किया जो कांटे और दर्द के बीच था, जो पानी और प्यास के बीच था, पर एक रिश्ता अब भी अधूरा था, नाम और अर्थ का। शब्दों को सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। सहाय ने एक बॉल दिखाकर मिशेल को खेलने वाली चीज के बारे में बताया और उसके बाद कई शब्दों को जानने का सिलसिला शुरू हो गया। टीचर अपने सिर पर मिशेल का हाथ लेकर मारते हैं। मिशेल भी उनकी नकल उतारती है। No, Mrs. McNally, I will not allow you to take Michelle yet. अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा। शब्द जान गई है लेकिन अर्थ नहीं है। आज भी वो नैपकिन को स्पून कह रही है। Still a long way to go, you know. How much longer, Mr. Sahai? 19 दिन तो बीत चुके। वादा 20 दिनों का था मिसेस मैकनली। मेरे पास अभी भी कुछ घंटे बाकी। कुछ घंटों में क्या होगा मिस्टर सहाय? नॉलेज कैन कम इन अ फ्लैश मिसेस मैकनली। इट्स लाइक लाइटिंग अ कैंडल। एक बार ये कैंडल चल गई सारे घर को रोशन कर देगी। एंड बिलीव मी ये चमत्कार बहुत जल्दी हो सकता है। और किसी भी वक्त आ सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कल मिशेल को लेने आऊंगी। अच्छा And I shall pray all night that there is no sunrise tomorrow, Mrs. McNally. Good night. टीचर ने दरवाजा बंद कर लिया है लेकिन शीशे के पार से मिशेल की माँ ने अपनी बच्ची को आराम से बैठकर खाना खाते देखा है तो मिशेल में आए इस परिवर्तन को देखकर उनकी आंखें भर आई हैं। उन्होंने टीचर का धन्यवाद किया है और वो वापस चली जा रही है। टीचर सोच में पड़ रहे हैं, उन्हें खुद भी लौटना ही होगा। थैंक यू। टीचर मिशेल के पास जाकर बैठते हैं। मिशेल नैपकिन को स्पून बोलकर टीचर से मजाक करती है। उसने हाथ ऊपर उठाया तो नैपकिन नीचे गिर गया। वो अपनी उंगलियां हवा में लहराने लगी। समझने की कोशिश करो निशा। हर शब्द का एक अर्थ होता है। बिना शब्दों के तुम अंधेरे की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। You will never be able to see the light. They will put this bell around you and call you a cow. Cow. C-O-W, cow.
तुम एक जानवर बनकर रह जाओगी मिशेल, एक जानवर बनकर। ये लोग तुम्हें पागल खाने ले जाएंगे मिशेल, और अब की बार मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें सीखना होगा मिशेल, सीखना होगा मिशेल। यू लिस्ट मी, यू आर माय लास्ट होप। मिशेल, मिशेल, आई यू लिस्ट। अब आपको जाना ही होगा मिस्टर सहाय। आई एम नॉट गोइंग टू लीव मिस मैकलेरी। इतनी आसानी से मैं हार नहीं माने वाला। मैंने अपना वादा निभाया, आपकी बारी है। इट्स नॉट सेट ओवर मिसेस मैकलेरी। अभी भी कुछ मिनट बाकी है मिशेल। और किसी भी वक्त आ सकते हैं मिस्टर सहाय। आई एम हेल्पलेस। यस मिसेस मैकलेरी, बट शी हैज टू लर्न। शी हैज टू लर्न कि जिसका हाथ थाम के वो चल रही है उसका भी एक नाम है। दैट यू आर मदर। मदर तभी सामने से मिशेल के पिता आ गए। लीव मिस्टर सहाय। टीचर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। डियर मिस नाया, यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आफ्टर हैविंग स्पेंट 20 डेज विद लिटिल मिशेल, आई हैव फेल्ड। हाउएवर, इफ यू आर स्माइलिंग एट द थॉट ऑफ लुकिंग इनटू माय आईज अगेन, यू आर टेरिबली मिस्टेकन। टीचर अपना सामान लेकर ऊपरी मंजिल से नीचे उतर रहे हैं। उन्होंने देखा कि मिशेल खाने की टेबल पर खड़ी है और एक बार फिर से वो वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी। टीचर ने मिशेल को खाना फेंकते देखा, उनसे रहा नहीं गया। वो दौड़े दौड़े नीचे पहुंचे। उन्होंने मिशेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिशेल नहीं मानी। गुस्से में मिशेल ने जग से पानी टीचर के मुंह पर उड़ेल दिया। टीचर जाते जाते भी उसे वाटर यानी पानी शब्द से परिचित कराना चाह रहे हैं। टीचर ने मिशेल का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए बगीचे में बने इस गुब्बारे पर ले जा रहे हैं जहाँ उसे एक बार पहले भी ले आए। मिशेल पानी से डरती है, पर टीचर ने मिशेल को पानी में धकेल दिया और बताने लगे हैं कि ये पानी है। मिशेल पानी से बाहर भागने की कोशिश कर रही है। टीचर ने मिशेल को गुब्बारे के बीच पानी में ही छोड़ दिया है। और वो ख्यालों में खो गए हैं। तभी उन्होंने देखा कि मिशेल का पानी से डर खत्म हो गया है। वो फव्वारे से गिरती हुई पानी की बूंदों को महसूस कर रही है। उसने टीचर को ढूंढने की कोशिश की तो टीचर भी पानी में पहुंच गए हैं। मिशेल ने टीचर का हाथ अपने हाथों में लेकर फव्वारे से बरसते हुए पानी के नीचे रखा है। टीचर के हाथ की उंगलियों को अपने होठों के पास ले जाकर मिशेल ने वाटर यानी पानी शब्द का उच्चारण किया। वाटर।
मिशेल ने साइन लैंग्वेज के द्वारा टीचर को वाटर की स्पेलिंग बताई है। तभी मिशेल फव्वारे के पानी से बाहर निकलकर भाग रही है। टीचर भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो जमीन पर गिरी। और टीचर के हाथों से निकलकर फिर भाग रही है। टीचर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। टीचर ने खुशी में मिशेल की माँ को आवाज लगाई। मिशेल के माँ बाप दौड़ते हुए आ गए। वो जमीन पर मिशेल के साथ बैठ गई। टीचर ने एक शब्द और सिखाया। मिशेल ने अपनी माँ को छुआ और पहली बार अपने मुख से कहा, माँ। माँ ने यह सुनकर खुशी से मिशेल को अपने गले लगा लिया है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। मिशेल अपने टीचर को ढूंढती है और उनके पास पहुंचती है। ये बातें बीते कल की हैं। आज बूढ़े टीचर सहाय सफेद खाली कमरे की दीवारों को पकड़ते हुए चल रहे हैं। उस दिन तुमने पाई थी मेरे अंधकार पर रोशनी की पहली जीत, पर आज तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अब मैं लड़ूंगी तुम्हारे अंधकार से। मैं लौटाऊंगी वो सारे शब्द जो तुमने मुझे सिखाए हैं। इंटरवल। बाहर बर्फ गिर रही है। मिशेल अपने टीचर को ब्रेल टाइपराइटर के पास लेकर आती है और टीचर के हाथ को अपने होठों पर ले जाकर
वाटर शब्द लिखने की कोशिश कर रही है। टीचर मिशेल के काले चश्मे को छूकर देखते हैं। मिशेल अपना काला चश्मा उतारकर टीचर को पहना देती है। मिशेल अपने हाथों के इशारों से काफी कुछ कहने की कोशिश करती है। वाटर पहला शब्द जो तुमने मुझे सिखाया और उसके बाद सालों साल हजारों शब्द, मेरे सारे सवालों के जवाब एक के बाद एक तुम अपनी उंगलियों से मेरे हाथों पर कुछ इस तरह से लिखते गए जैसे कोई माएस्त्रो पियानो पर जीवन की सरगम सुना रहा हो। हम एक बार फिर से मिशेल के अतीत में लौट आए हैं। मिशेल के घर में शानदार क्रिसमस पार्टी चल रही है। ये मेरी छोटी बेटी सैरा। सैरा दिस इज आन माता, मेरी बहुत पुरानी सहेली। वेयर इज माय डियर मिशेल? आई कांट वेट टू सी हर। हैव यू सीन मिशेल? यस, आई थिंक शी इज इनसाइड। एक्सक्यूज मी, कम बी गुड लुक फॉर। स्टेज पर एक गायक का गाना गाए और मिशेल उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखी सभी शब्दों को समझ रही है। उन शब्दों को समझते हुए वो गाने के साथ डांस भी कर रही है। लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हैं। देखिए एक लड़की जो देख नहीं सकती सुन नहीं सकती फिर भी जस्ट लुक एट हर, इट्स वंडरफुल। बस मिशेल मैकनले वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। दैट्स इम्पॉसिबल मिस्टर साहब। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड दैट आई हैव नेवर टॉट हर मिस्टर फर्नांडिस। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हैं जहां उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। टोकरी बनाना, चटाई बुनना। क्या आपने कभी सुना है मिसेस सहाय कि ऐसे स्टूडेंट को आम कॉलेज में एडमिशन मिला हो? नहीं, पर सुनना चाहता हूं। पर क्लासरूम के लेक्चर वो कैसे समझेगी? मैं बैठूंगा क्लासरूम में, वो उंगलियों से पढ़ेगी, मैं सिखाऊंगा उसे एवरी वर्ड एवरी लेटर। मिशा, मीट योर प्रिंसिपल। Yes. I've told him you want admission in arts, not science. Sahai, ye faisla mere haath mein nahi hai. Mujhe trustees ko samjhana hoga. Insaan ko achha kaam karne ka mauka baar baar nahi milta, Mr. Fernandez. I hope that you will not lose this opportunity. Yes. Mr. Sahai, aap jante hain ki Michelle jaise bacche आम स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में नहीं जाती। बट बिकॉज ऑफ योर फेथ इन मिशेल एंड बिकॉज वी बिलीव यू आर अ गुड टीचर,
हम मिशेल का इंटरव्यू लेंगे. थैंक यू. पर आज आप मिशेल की आवाज नहीं बन सकते. हमने एक स्पेशल टीचर को इनवाइट किया है जो मिशेल और आप दोनों को नहीं जानती. शी विल इंटरप्रेट. टीचर प्रिंसिपल की कही बात मिशेल को साइन लैंग्वेज से समझाते हैं. मिशेल घबराती नहीं है, उसे अपने पर विश्वास है. Ah, there she is. Welcome, Miss Nair. Meet Mrs. Sahai. Hello, Miss Nair. Hello. Miss Nair, sign language के द्वारा मिशेल से पूछती हैं कि क्या वो इंटरव्यू के लिए तैयार है. We're ready, sir. Why does she want to study? Why do you want to study? I want to study and learn so that I may live with dignity, with independence, and to be alive. How many oceans are there in the world? Jitne mahasagar hai is duniya mein, mere liye pani ki har ek boond महासागर से. She is not answering my question. दुनिया में महासागर कितने हैं? उन्हें इस सवाल का सीधा जवाब चाहिए. मिशेल पांच उंगलियां उठाकर जवाब दे देती. अगर वो हिंदुस्तान में है तो अमेरिका उसके किस ओर होगा? Which side is America? मिशेल सोच में पड़ गई है. टीचर भी घबरा जाते हैं कि क्या वो जवाब दे पाएगी. लेकिन मिशेल जवाब दे देती है. द वर्ल्ड इज राउंड सो अमेरिका कैन बी ऑन एनी साइड. व्हाट डज नॉलेज मीन टू हर? व्हाट डज नॉलेज मीन टू यू? नॉलेज is everything. Knowledge is spirit, wisdom, courage, light, sound. Knowledge is by Bible, God. Knowledge is my teacher. Bravo! Excellent! Congratulations, Mrs. Sahai. Your student is now a part of our university. सारे जवाब दिए. देखा पॉल, आज इतनी खुश है मिशेल. इंटरव्यू की बातें तो बंद ही नहीं हो रही है. जब से आई है मुस्कुरा रही है. व्हाई नॉट? जो लड़की कल तक डाइनिंग टेबल पर बैठना नहीं जानती थी वो कल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठेगी. अनबिलीवेबल. कैन यू इमेजिन आ मिशेल, ब्लैक ग्रेजुएशन रोब पहने, हाथ में डिग्री लिए, हमारे सामने खड़ी होगी. ओह, इट्स गोइंग टू बी सच अ स्पेशल डे, इजन्ट इट सेरा? Yes, of course, Mama. मिशेल की तो हर बात स्पेशल है, है ना? Excuse me, I need to finish my sketch. Good evening, Sarah. Good evening. Ah, Mr. Sahai, congratulations. You've performed yet another miracle. Still a long way to go, Mr. McNally. Yet all. सफर की शुरुआत है अभी. मिशेल कब से अपनी गिफ्ट का इंतजार कर रही है मिस्टर सहाय? मिशेल ने गिफ्ट मांगा तो टीचर ने उसको एक छड़ी थमा दी. योर फ्रेंड.
मिशेल छड़ी नहीं लेना चाहती है. दिस विल नॉट मेक यू डिपेंडेंट, इट विल मेक यू इंडिपेंडेंट, यू अंडरस्टैंड. लेकिन टीचर के समझाने पर वो छड़ी ले लेती है. मिशेल अपने टीचर के सीने से लिपट जाती है. सब लोग मिशेल के कॉलेज के पास लिए गए एक मकान में जा रहे हैं. वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, एक नया आसमान, एक नई उड़ान. तुम्हें मुझ पर भरोसा था और मुझे मेरे पंखों पर. याद है टीचर, कितनी खुश थी मैं उस दिन. मिशेल डांस कर रही है. मिस गोम्स और मिशेल की माँ सभी खूब हंस रहे हैं. मिशेल को अकेले रहने देना. अकेली कहा है? मिसेस गोम्स यहाँ रहेंगी, मैं साथ वाले कॉटेज में हूँ. और फिर यूनिवर्सिटी नजदीक है, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे. बिसाइड्स वी कांट प्रोटेक्ट हर ऑल हर लाइफ. सारी जिंदगी तो हम उसके साथ रहेंगे नहीं. डोंट वरी, शी विल बी फाइन. व्हाट्स रॉन्ग विद यू सारा? अभी तो हम फंस रहे थे. नाउ सडनली यू आर फाइटिंग. इट्स वेरी इरिटेटिंग मामा. मैं जो भी चीज जहां भी रखती हूँ, शी पिक्स इट अप एंड पुट्स इट समवेयर एल्स. Ma, I love her very much. I really do. But please, leave me out of this, okay? Please. She's very excited, sweetie. Tumhe samajhna chahiye. Main sab kuch samajhti hu. It's always about her, right? Her excitement, her happiness. Wahi to sab kuch hai aapke liye. But what about me? Should I speak to you in sign language? Paul, I can't believe it. अचानक कुछ गिरने की आवाज पर सभी कमरे की तरफ भागे. मिशेल जमीन पर गिरी पड़ी है. उसकी माँ उसे उठाने के लिए आगे बढ़ रही है. Leave her alone. With every fall, she will rise higher. That's the spirit. Main chahta hoon ki tum akeli chalna sikho, without any help. 50 steps straight and then right. Understood? टीचर सड़क पर मिशेल को अकेले चलना सिखाने लगी. मिशेल कोशिश करने लगी, लेकिन जब वो किसी से टकराई तो आगे जाने की बजाय फिर वापस चल पड़ी. टीचर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े. Where are you going? No, no, no. This is the wrong way. It's this way. No, it's... Can you take? Come on. Let's go. Please. Come on. Yes. Yes. Hurry up. Oh. Yes. Come on. Yes. Wait. Run. Yes. इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और मिशेल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करती रहती है. 39 प्रेजेंट, 40 प्रेजेंट, 41 42 प्रेजेंट. कितना कुछ था दुनिया में सीखने को और कितना कम वक्त. शायद यही वजह थी जो तुम्हारी उंगलियां 2400 घंटे मेरे हाथों पर बोलती रहती और मैं सुनती रहती. जिंदगी चाहे घर से जन्म ले या जमीन से, उसका सफर तो अंधेरे में ही शुरू होता है और अंधेरे में ही खत्म होता है. एक दिन हम सबको इसी अंधेरे से गुजरना है और रोशनी तक पहुंचना है. टीचर क्लास में मिशेल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे साइन लैंग्वेज से प्रोफेसर का लेक्चर समझा रहे हैं. एक नई दुनिया के दरवाजे मेरे लिए खुल गए थे. न्यू वर्ड्स, न्यू थॉट्स, नए दोस्त, नई दुनिया, और दुनिया देखने का एक अलग अंदाज.
तुम अपनी आंखों से जो सपने देखते हो वो कहीं न शी डिसएग्रीज शी डिसएग्रीज विद द पोएट. आंखें सपने नहीं देखती, मन सपने देखता है. मैं आंखों से देख नहीं सकती, फिर भी मैं सपने देखती हूं. हमारा सपना है कि मैं ग्रेजुएट बनूं. मिशेल अपने कॉलेज में अपनी भाषा में सबसे बातें करती रहती है. जिसकी याद भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, कितने खुशियों भरे दिन थे वो, हमारी कहानी का सबसे सुनहरा वक्त. टीचर मिशेल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे पढ़ाते रहते हैं. मिशेल और टीचर पार्क में बेंच पर बैठे हैं. आसमान साफ है. इट्स नॉट गोइंग टू स्नो. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. नो नो डोंट, यू वोंट नीड द अम्ब्रेला एट ऑल. कॉन्सेंट्रेट. लेकिन मिशेल अंदाजा लगा लेती है कि बर्फ गिरेगी और तभी आसमान से रुई की तरह नर्म मुलायम बर्फ बरसने लगती है. इस बर्फ में मिशेल खुशी से झूम रही है और टीचर्स के साथ डांस कर रही है. इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं. मिशेल अपने टीचर के साथ कॉलेज की कैंपस में जा रही है, तभी एक लड़का टीचर से टकराता है. किताबें नीचे गिर जाती हैं. मिशेल गुस्से में अपनी छड़ी उठाती है. टीचर उसे गुस्सा करने से रोकते हैं. You are too slow. How will you pass? No, try. Yes, I'm watching. This is 10 words in 1 minute. You're going to try to do 30 words by foot. Teacher class में से ब्रेल टाइपराइटर उठाकर ले जाते. वो अपने पेपर पूरे नहीं कर पाई और अब रिजल्ट आया. नहीं, फेल. तो फेल है. नहीं, एक दो सब्जेक्ट्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में फेल. What is this? Yes. लोग सक्सेस का जश्न मनाते हैं, हमने फेलियर का जश्न मनाया. आइसक्रीम खाते खाते तुमने मुझे मकड़ी की कहानी सुना दी, जिसने कई कोशिशों के बाद अपना घर बनाया था. आफ्टर ऑल फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस. पर मेरे लिए ये स्टेप्स कभी खत्म ही नहीं हुए. हेलो हेलो मिस्टर सहाय, कैसे हैं आप? मिशेल कैसी है? ठीक है, रिजल्ट्स निकल आए हैं. और क्या हुआ? फेल हो गई वो इस बार फिर. पर
उसने तो कहा था कि पेपर्स बहुत अच्छे लिखे थे। झूठ कहा था उसने। सो इजी कहती रही ताकि उसकी छुट्टियां ठीक भी दें। पर आप ही ने तो कहा था मिस्टर सहाय, इंसान गिरने के बाद ही संभलता है। मैं गिरूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि वो उड़ना सीख जाए। मिसेस मैकनली, आई एम गेटिंग ओल्ड यू नो। क्या हुआ, मिशेल फिर से फेल हो गई? यस सर, मुझे चिंता हो रही है। आई थिंक मिस्टर सहाय। हेलो मिशेल, फोन पर रो रो कर अपनी माँ को बताने लगी है कि वो फेल हो गई है। साथ ही वो अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रही है कि टीचर उस पर बहुत नाराज हुए हैं। I was told you were looking for me, Mr. Fernandez. Ah, Mr. Sahai, please come in. I've been waiting for you all day. मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। Please, have a seat. Thank you. Mr. Sahai, आप तो जानते हैं कि मिशेल पिछले दो सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही है। So I thought I would do something to help her. First year arts, entirely in braille. आप ही ने तो कहा था ना सहाय, इंसान को अच्छा काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये मौका नहीं गंवाया मिस्टर फर्नांडिस। मिशेल को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। नॉट एट ऑल, इट्स माई ड्यूटी, माई प्लेजर, माई प्राइड। आई ट्रस्ट दैट वॉज ऑल राइट। Anything the matter? Then the books, Mr. Sahai, please take them to Michelle. How do I go out? Bar, main bar kaise jaunga? Yes, I beg your pardon. Bar jaane ka rasta? The door, Mr. Sahai. It's right behind you, exactly the way you came in. Yes. Mrs. Sahai, is everything all right? टीचर ब्रेल की किताबों को लेकर प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। उनकी भूलने की बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाहर बर्फ गिर रही है। टीचर मिशेल को ब्रेल की किताब से पढ़ा रही है। मिशेल उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर ब्रेल पढ़ रही थी। मिशेल उनके साथ से बहुत खुश है, लेकिन टीचर ने ब्रेल की किताब से अपना हाथ हटा लिया है। मिशेल के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर वो उससे दूर जाकर खड़े हो गए। एक नया रोमांच उभर रहा था, सारे स्पर्श नए लग रहे थे, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था टीचर।
इसलिए हमारे बीच एक नए रिश्ते के बारे में सोचने लगी थी मैं। क्या मुझे ये सोचने का अधिकार था? बहुत कुछ बदल रहा था, बस एक बात कायम थी, मेरी नाकाम। एक बार फिर से इम्तिहान हुए हैं और मिशेल अपने पेपर फिर एक बार समय पर पूरा नहीं कर पा रही। टाइम अप मिशेल, टाइम अप मिशेल, यू ऑलरेडी हैड एक्स्ट्रा टाइम मिशेल। आई टेक द पेपर आउट देन। नो नो, लीव इट, लीव इट, नो। Being contented since being dropped. You have let me down completely. I'm angry. I am very angry. No! Sir, sahi jawab janna zaruri nahi hai. Use likhna zaruri hai. Understand? Don't just stand there like a failure. It's all right. No, it's not all right, Mr. McKelly. ये सिर्फ उसका फेलियर नहीं है, ये मेरा भी फेलियर है। दिस इज द थर्ड ईयर इन अ रो दैट शी हैज फेल्ड। तीन सालों में वही पाठ, वही कविता। शी इज जस्ट टू स्लो एट टाइपिंग 10 वर्ड्स इन 2 मिनट्स। आई मीन, हे पिशाब, 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 वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? लीव दिस बैग, लीव दिस बैग, लीव इट, लीव इट, लीव द बैग। नो नो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। नो नो, यू विल स्टे, यू विल स्टडी। Understand, you will study. तीन साल पढ़ाते पढ़ाते ब्रेल की किताबें खींचने, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता। Let her be, Mr. Sahai. Mrs. McNally, I've not spent 18 years of my life on this. I'm not going to allow her to be a failure. Hey, come in, you. Come in. You will not run away from failure. Understand? Not run away from failure. Yeah. Michelle, what is this? Don't you dare disrespect a book. Pick it up. Come on, pick it up. Pick up the book. Pick up the book. टीचर ने मिशेल को जोर से थप्पड़ मारा है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पढ़ोगे। यस, यू विल लर्न, यू विल ग्रेजुएट द ब्लैक रोब, आवर ड्रीम। No, your world is not black. It is full of light. मिशेल टीचर की हर बात का जवाब ब्रेल टाइपराइटर पर टाइप कर रही है। गुस्से में मिशेल ब्रेल टाइपराइटर पर लिखकर अपने मन का गुबार निकाल रही है। वो तेजी से टाइप कर रही है और टीचर अपनी घड़ी से उसकी टाइप करने की स्पीड को देख रही है। Two words in less than 2 minutes. She's not slow anymore, Mrs. McNally. Time for celebration. Time for an ice cream, my dear. Ice cream? Yes, Mrs. McNally. Life is an ice cream. Enjoy it before it melts. मिशेल टीचर के कंधे पर हाथ रखकर उनके पीछे चल पड़ी है। Can I have two? Ice cream or four? टीचर आइसक्रीम लेने पहुंच गए हैं। सर, आइसक्रीम, आइसक्रीम सर। भूलने की बीमारी ने टीचर पर एक बार फिर से असर दिखाया है। जहां मिशेल बैठी है वहां बेंच पर कोई और आकर बैठ गया है। मिशेल उसे वहां से उठने को कहती है और उस जगह पर अपनी छड़ी रख देती है। योर चेंज सर, योर चेंज। टीचर आइसक्रीम लेकर कहीं और चल पड़ती है। वो सब कुछ भूल चुके हैं।
वो भूल गए हैं कि मिशेल बेंच पर बैठी उनका इंतजार कर रही है। और मिशेल रात में टीचर के इंतजार में यहां वहां भटकती रहती है। और बदहवासी में इधर उधर भटकते हुए एक कार से टकरा जाती है। Mr. Sahai, you are here. Oh, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं। Yes? Don't you recognize me? It's me, Fernandez. Michelle's principal? Ah, yes, of course. I'll get Michelle. Michelle! Michelle सुन नहीं सकती, Mr. Sahai. I'll just call her. Mrs. Gomes? मिशेल घर में नहीं है। She's here. मेरा नाम भूल जाना, कमरे का दरवाजा भूल जाना, ये सब तो ठीक है, पर मिशेल को इस तरह रास्ते में भूल जाना, something is seriously wrong, Mrs. Sahai. I really think you should get some help and see a doctor. Good night, Mrs. Sahai. मिशेल अपने पलंग पर बैठी है। टीचर भारी मन से मिशेल से माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंचे हैं। मिशेल भी टीचर के भूलने के व्यवहार से चिंता में है। वो साइन लैंग्वेज से टीचर के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है। सॉरी। Don't ever forget me. Promise. I will never forget you. You worry about me. No, don't worry about me. Just getting old. No. Don't worry. Your turn. Sleep. Sing you a lullaby. No, I can't sing. Hush, my baby, on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Hush, my baby. एक तूफान जिंदगी के सारे सपनों को बिखेर रहा था, जिनको मैं हमेशा अपने पास समेट कर रखना चाहती थी। उस दिन पहली बार मैंने उस डर को महसूस किया, टीचर। अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं कैसे जीऊंगी?
अब क्या हुआ? वो नीचे नहीं आना चाहती. तुम्हारे इन-लॉज के सामने आने में शी इज फीलिंग ऑकवर्ड. शी थिंक्स शी स्पॉइल्ड द इवनिंग. फिर यहाँ तक आने का नाटक क्यों किया? सेरा, तो मिस्टर सहाय की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी वजह से वो परेशान है. प्लीज, इट रियली हर्ट्स मी टू सी द टू ऑफ यू फाइट लाइक दिस. नाउ यू गेट हर रेडी एंड यू ब्रिंग हर डाउन. मुझे बहुत सारा काम है. मिशेल, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे. आज तक तुमने जो भी किया वो स्पेशल था, बट टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी. आई एम इन लव और मेरी एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रही है. आई नो दिस कुड अपसेट यू. शायद तुम्हारी जिंदगी में ये शाम कभी नहीं आएगी एंड यू मे बी फीलिंग दैट यू विल नेवर फॉल इन लव. आई होप यू विल, आई रियली डू. But until then, please don't spoil my evening, okay? डाइनिंग रूम में सभी खाने की टेबल पर बैठे. आज मैं बहुत खुश हूं बिकॉज ऑल द पीपल आई केयर अबाउट इन द वर्ल्ड आर इन दिस रूम. ऑन दिस ओकेजन आई'd लव टू से अ फ्यू वर्ड्स. I'm a very lucky girl जो मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले और मिशेल जैसी सिस्टर. I know I haven't been the best daughter or the best sister, but I want to tell you all that I really love you very much. And I love this house. कितनी यादें हैं यहाँ. I remember one time Michelle and I were playing outside. Teacher, we were running through the grass holding hands. Michelle का हाथ अपने हाथ में लेकर और भागते भागते हम दोनों गिर गए. Sign language से सारी बातें समझा रहे हैं. मामा एंड पापा केम रनिंग आउटसाइड और उन्होंने मिशेल को गोद पे उठाया और अंदर चले गए. एंड देयर आई वाज माय आर्म स्ट्रेच्ड आउट वेटिंग. आई एम स्टिल वेटिंग. एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बी सो एंग्री विद हर. जितना प्यार करती थी इसे उतना ही मैं जलती थी. जो भी खाना मुझे पसंद नहीं आता उसे खिला देती. बीच रात मिशेल को जगाती और पूछती पानी पीना है. मिशेल सर हिला के हां बोलती. मैं सर घुमा के सो जाती. She would wait for me all night long. मिशेल सारा की बात जानकर बहुत दुखी हो जाती है. I can't believe I did that. Can you mark? For all those things that I did and all the mistakes, anger, I'd like to say I'm sorry. Did I say something wrong? Then please let me finish. It's important to me, Michelle. For this joyous and eventful evening, Michelle ने सारा के लिए एक speech तैयार की थी. तय तो यह हुआ था कि वो science करेगी और मैं speech पढ़ूंगा. But I don't think that Michelle is in any mood for science. It's important, however, that we should all hear what she said. मैं 8 साल की थी. वाइल्ड वायलेंट ऑलवेज एंग्री विद लाइफ. मैंने सोचा मैं जिंदगी के खूबसूरत पल कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी. एक दिन जब पहली बार मां ने सारा को मेरी गोद में रखा, आई टच्ड ब्यूटी.
I touched her little eyes. और मुझे भरोसा हुआ कि आप मैं दुनिया को सारा की आंखों से देखूंगी. माँ कहती हैं उस दिन मैं सारा दिन मुस्कुराती रही. सारा ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे साथ बांटी. मेरा हाथ थाम कर एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाती. माँ की गैर हाजिरी में मुझे खाना खिलाती. बीच रात जगाकर पूछती मैं पानी पीने जा रही हूं तुम्हें पीना है. बे आवाज उंगलियों की आवाज बनी तुम. बेसब्री से इंतजार है तुम्हारी शादी के दिन का. उस दिन खूब सजूंगी. दुल्हन न सही दुल्हन की बहन तो बनोगे. हाँ मां को भी उंगलियों से बातें करना सिखा देना. बहुत शिकायत करनी है तुम्हारी. थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू बी योर ब्राइड्समेड सन. आई प्रॉमिस आई विल नॉट क्राई एज यू वॉक विद मार्क टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ. So, on this happy note, a toast. Osana, a mark. सबकी आंखों में आंसू हैं. सारा मिशेल के हाथ में अपना प्यार भरा हाथ रखती है. सारा की आंखों में आंसू हैं. दोनों बहनें मिलकर वाइन ग्लास उठाती हैं. आज सारा ने अपनी बहन मिशेल के प्यार को समझा है. सारा अपने पिता के साथ दुल्हन के लिबास में जा रही है. पीछे मिशेल सारा के साथ चल रही है. Take Sarah Maria McNally to be your lawfully wedded wife? I do. Mark says yes. Do you, Sarah Maria McNally? I'm a priest. Take Sarah Mark Philip Bruger to be your lawfully wedded husband? I do. Sarah says yes. I declare you to be man and wife. I'm for Ek Musriko Muti Banana. You may now kiss the bride. The priest has asked them to kiss as man and wife. No, no, no. Not on the cheek, on the lips. टीचर घर पहुंचते हैं. मिशेल वहां पहले से ही बैठी है. वो टीचर को अपने पास बुलाती है. What are you doing here?
you love me? I am suffering. To marry couldn't cause us emotion. I may never know what it is to love a man. Shahid, to me, Shahid, ek pyar. Kabhi na mila. Lekin will you kiss me once? Please. एक पल में तुमने मुझे औरत होने का सम्मान दिया था और उसी पल खुद अपनी ही नजर में अपमानित हो गए थे तुम। कुछ ज्यादा ही मांग लिया था मैंने जिंदगी से, गलती की, और माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तुमने। मैं जा रहा हूं मिशा। एक बात जो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वॉकिंग स्टिक की तरह हमेशा याद रखो, वो यही कि अंधकार हर वक्त हर पल तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब होगा, पर तुम हमेशा रोशनी की राह चलो। विश्वास से भरा हुआ तुम्हारा हर कदम मुझे जिंदा रखेगा मिशेल। टीचर चले गए और मिशेल के लिए ब्रेल से लिखा एक पत्र छोड़ गए हैं। फिर एक बार मैंने रोशनी को खो दिया, फिर एक बार आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया, फिर भी मैं चलती रही 12 साल तुम्हारे दिखाए रास्ते पर, अकेली अंधेरे में। 12 साल बाद तुम मुझे उसी फाउंटेन के पास वापस मिल गए थे टीचर, और आज 12 दिन बाद ये मार्कशीट, मिशेल मैकनली, बैचलर ऑफ आर्ट्स। मैं चाहती हूँ कि ये खबर सबसे पहले तुम सुनो। ये आपका बेड है, प्लीज आप यहीं लेटिए, प्लीज। दैट्स इट मिस्टर सहाय, ये आपका बिस्तर है। मिस्टर सहाय, नॉट मिस्टर सहाय, प्लीज आप यहीं लेटिए। मिस्टर सहाय, नॉट मिस्टर सहाय। मिशेल फूल लेकर टीचर से मिलने आई है, लेकिन टीचर यानी मिस्टर सहाय का रोग काफी बढ़ गया है।
उन्हें बिस्तर पर चेन के साथ बांध दिया है ताकि वो कहीं जा ना सके। मिशेल चेन से टकराती है। और जब वो अपने टीचर को उस चेन से बंधा हुआ महसूस करती है तो वो चिल्ला पड़ती है। मिशेल चेन को तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में बागल खाने के कर्मचारी वहां दौड़े आते हैं। मिशेल उस चेन को खुलवाकर ही मानती है और चेन को अपने साथ ले जाती है। आज हमारे बीच एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने जिद और हिम्मत की एक मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। शी इज द प्राइड ऑफ आवर यूनिवर्सिटी and on this rare achievement I would want her to say a few words. Ladies and gentlemen, Michelle McNally. That's my daughter. College mein Michelle ko BA ki degree mil rahi hai aur uska samman kiya ja raha hai. Is mauke par wo logon se kuch kehna chahti hai. Uske haathon ke isharon ko Michelle ki maa शब्द दे रही है। कई कोशिशों के बाद आखिर मकड़ी ने बार बार गिरने के बावजूद अपना घर बना ही लिया। चींटी पहाड़ पर चढ़ी गई है, एक कछुए ने रेगिस्तान पार कर ही लिया और आज मिशेल ग्रेजुएट हो गई। और फर्क है आप में और मुझ में। आपने जो काम 20 सालों में किया मुझे 40 साल लगे। But I finally did it. बचपन में मैं जो भी करती थी बाकी लोगों से हमेशा पीछे रह जाती थी। मेरी वजह से मेरे मामा पापा का सर हमेशा झुक जाता। हर साल घर फोन करती, पर आज कहूंगी मैं जानती हूं मेरे मामा पापा गर्व महसूस कर रहे होंगे और सबसे कह रहे होंगे कि मैं उनकी बेटी हूं। थैंक यू मामा पापा। बचपन में मैं हमेशा हाथ फैलाकर कुछ ढूंढती रहती, उंगलियों से कुछ टटोलती रहती, पर आखिर मेरे हाथों में सिर्फ अंधेरा रह जाता। और एक दिन अचानक मेरी मां ने मुझे उन अजनबी हाथों में सौंप दिया। वो सबसे अलग था। ही वाज अ मैजिशियन। उसने सालों साल मुझे घसीटते हुए मेरे अंधेरे से रोशनी में ले आए। गॉड के नाम पर तो हम सभी अंधे हैं। आप में से किसी ने उसे देखा है या सुना है? नहीं, लेकिन मैंने छुआ है, महसूस किया है, देखा है उसे, सुना है उसे। आई कॉल हिम टीचर। मेरे लिए सब कुछ ब्लैक था, पर मेरे टीचर ने मुझे ब्लैक का एक नया अर्थ समझाया। ब्लैक का मतलब सिर्फ घुटन या अंधेरा नहीं होता। इट इज द कलर ऑफ अचीवमेंट, द कलर ऑफ नॉलेज, द कलर ऑफ द ग्रेजुएशन रो। वही रंग जो आप सबने आज पहना है।
पर फर्क है आप में और मुझ में। आज आप सभी ने इसे पहना है टू सेलिब्रेट द ग्रेजुएशन, पर मैंने नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब भी मैं ये ब्लैक रोब पहनूं तो सबसे पहले मेरा टीचर मुझे देखे। क्योंकि वो हर साल ग्रेजुएशन के दिन मुझे यहां ले आता था, हर साल उस दरवाजे के पास हम खड़े रहते थे और हर साल वो मेरे हाथों पे ये लिखता था, एक दिन मैं तुम्हें वहां उस मंच पर देखना चाहता हूं मिशेल। 40 साल लगे उसकी दिखाई हुई मंजिल पर पहुंचने में और आज पहली बार मुझे आंखों की कमी का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं मेरा टीचर वहां दूर से अपनी मिशेल को गर्व के साथ उनका सपना पूरा करते हुए देख। बाहर तेज बारिश हो रही है, टीचर खिड़की पर खड़ी है। मिशेल काला कोट पहने और हाथ में डिग्री लेकर अपने टीचर से मिलने आई है, लेकिन टीचर सब कुछ भूल चुके हैं। मिशेल को काले कोट में देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। शब्द मौन है, लेकिन शायद भावनाएं एक दूसरे तक पहुंच रही है। टीचर मिशेल को देखकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मिशेल के पास पहुंचकर वो उसके काले कोट, डिग्री और उसके काले हैट को छूकर देखते हैं। वो कोट छूते हुए मिशेल के चारों ओर घूम रहे हैं। टीचर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मिशेल अपने हाथों के इशारों से टीचर को बताती है कि उनका सपना सच हो गया है। टीचर डांस करके मिशेल के पास होने का जश्न मनाते हैं। मिशेल और टीचर की आंखों में आंसू छलक रहे हैं और बाहर आसमान से पानी बरस रहा है। टीचर मिशेल को खींचने पर देखते हैं, मिशेल का हाथ अपने हाथ में गिरते हुए पानी को महसूस करते हैं। मिशेल अपना हाथ टीचर के मुंह पर लेकर जाते हैं। टीचर के मुख से शब्द निकलता है, वॉटर, पानी। ये वही शब्द था जो मिशेल ने सबसे पहले अपने टीचर से सीखा था। आज टीचर ने भी वही पहला शब्द सीखा है, पानी। Whoa.
Dear Miss Naya, you will be happy to know that we have come into the light. आज मेरे टीचर को अपना पहला शब्द याद आ गया, वॉटर. वो दुनिया का सबसे महान टीचर है जिसने आज फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, जिसने फिर से मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए जीने को ही जीना कहते हैं. आज मेरे टीचर के स्कूल का पहला दिन है मिस नायर, एंड हिज अल्फाबेट्स जस्ट लाइक माइन विल नॉट स्टार्ट विथ ए बी सी डी ई बट विथ बी एल ए सी के ब्लैक.